हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं XMT पार्टी पिचर मिनी पार्टी स्पीकर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। दोस्तों इस स्पीकर को हम काफी लंबे टाइम से यूज कर रहे थे, सो फाइनली यार अब हमें लगा कि यार आपको इसका वीडियो दे देना चाहिए। सो आज की वीडियो में आपको इस मॉडल के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है XMT PP05 एंड दोस्तों इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 15,000 रुपीज। बट अगर आप इस पर डिस्काउंट कोड को यूज करेंगे तो आपको ये स्पीकर केवल 11,999 रुपीज में मिल जाएगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, साथ में डिस्काउंट कोड भी दे दूंगा। सो आप डिस्काउंट कोड को अप्लाई करेंगे सो आपको 3,000 का ऑफ मिल जाएगा। दोस्तों इसका डिस्काउंट कोड है Mini3K। सो परचेज करते वक्त आप डिस्काउंट कोड को यूज करेंगे तो आपको 3,000 का ऑफ और देखने को मिल जाएगा। एंड ये स्पीकर आपको केवल 11,999 रुपीज में मिल जाएगा। एंड दोस्तों XMT की तरफ से हमें COD की फैसिलिटी भी मिल रही है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। जब आप इसे ऑर्डर करेंगे तो आपको 1,000 रुपीज एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी की पेमेंट तब करनी पड़ेगी जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। एंड आप इसे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इस स्पीकर पर हमें 6 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। सो सबसे पहले दोस्तों हम इस मॉडल की अनबॉक्सिंग करते हैं, बॉक्स कंटेंट डिटेल में दिखाते हैं, फिर अपने स्पीकर को डिटेल में देखेंगे। एंड आज की वीडियो में दोस्तों हम इसका ऑडियो टेस्ट भी डिटेल पे करेंगे, साथ में हम आपको इसकी माइक क्वालिटी भी डिटेल पे टेस्ट कराएंगे, साथ में बेस टेस्ट भी करेंगे। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमें वारंटी कार्ड इस पर मिल जाता है। इस पर हमें 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है ब्रांड की तरफ से, जो कि काफी सही है। दोस्तों हमें फुली फंक्शनल IR रिमोट कंट्रोल भी इस पर मिल जाता है, सो हम अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल के थ्रू पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों हम बेस को एडजस्ट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल से, ट्रेबल को एडजस्ट कर सकते हैं, साथ में हम माइक की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, माइक के बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर पाएंगे रिमोट कंट्रोल के थ्रू। सो हम अपने स्पीकर को पूरा ऑपरेट रिमोट कंट्रोल के थ्रू कर पाएंगे। दोस्तों हमें पावर कॉर्ड भी बॉक्स के अंदर मिल जाती है। इस केबल के थ्रू दोस्तों हम स्पीकर को चार्ज कर पाएंगे, साथ में इसे पावर के थ्रू भी बचा पाएंगे। हमें यूजर मैनुअल भी मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी, सो आप इसे भी डिटेल पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमें मेटेलिक वायरलेस फ्रिक्वेंसी बेस्ड माइक्रोफोन भी इस पर मिल जाता है। एंड यार इसकी भी क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त हमें देखने को मिलती है। मतलब कि जब हमने मैक्स की वीडियो दी थी तब भी हमने आपको बताया था कि यार माइक की क्वालिटी काफी जबरदस्त हमें दे रही है। सो मिनी में भी दोस्तों माइक की जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया मिल जाती है। सो अगर आप सिंगिंग करने के शौकीन है तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि कैरियोके लवर्स के लिए भी ये स्पीकर काफी बढ़िया होने वाला है। आगे हम इसकी टेस्टिंग करके भी आपको डिटेल पे दिखाएंगे। सो गाइस बॉक्स के अंदर हमें ये सारा सामान देखने को मिल जाता है। अब अपने स्पीकर को डिटेल पे देखते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्पीकर के टॉप पैनल को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए हमें टेलीस्कोपिक हैंडल इस पर मिल जाता है, मतलब कैरी करने में दोस्तों काफ़ी आसानी हो जाती है। एंड देखिए हमें USB पोर्ट, TF कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। दोस्तों हम 2 वायर्ड वाले माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस माइक तो मिल ही रहा है, साथ में हम वायर्ड वाले माइक भी कनेक्ट कर पाएंगे, साथ में दोस्तों हम गिटार को भी कनेक्ट कर पाएंगे। एंड देखिए हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, इसे हम ऑन करते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों बटन्स में लाइट जल गई है, साथ में डिस्प्ले पे भी लाइट जल गई है। एंड सामने की तरफ से देखिए लाइट इफेक्ट भी हमें मिलता है, ये भी काफी कमाल का है, इसे आगे डिटेल में दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी मैक्स वॉल्यूम देख लेते हैं। इस पर हमें 32 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है। दोस्तों हमें TWS का भी फंक्शन इस पर मिल जाता है, यानी कि ट्रू वायरलेस स्टूडियो। हम एक और स्पीकर को वायरलेसली इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों हमें ट्रेवल एंड बेस के लिए भी बटन इस पर मिल जाता है, यहाँ पे से हम ट्रेबल एंड बेस दोनों को एडजस्ट कर पाएंगे। एंड हम +7 से -7 तक ट्रेबल बेस को एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में हमें लाइट्स के लिए भी बटन मिल जाता है, सो मैं आपको पैटर्न चेंज करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा डिटेल में देखिए। यह है दोस्तों सेकंड पैटर्न, यह है थर्ड पैटर्न, फोर्थ पैटर्न में देखिए हमें रिंग पे RGB लाइट इफेक्ट मिलता है, जो कि काफी कमाल का है। यह है फिफ्थ पैटर्न, इस पर देखिए डुअल कलर पर हमें लाइट इफेक्ट मिलता है, ये भी क्या कमाल का देखने को मिलता है।
स्पीकर जो है ना लाइट इफेक्ट से काफी अट्रैक्टिव एंड काफी प्रीमियम हमें मिलता है। साथ में दोस्तों हमें पैटर्न 6 भी काफी कमाल का देखने को मिल जाता है, एंड पैटर्न 7 में दोस्तों हम लाइट्स को ऑफ कर पाएंगे। अगर आपको स्पीकर की बैटरी को ज्यादा चलाना है तो आप लाइट्स को ऑफ भी कर पाएंगे। दोस्तों हमें प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के भी बटन इस पर मिल जाते हैं, एंड देखिए हमें माइक एंड गिटार के लिए भी बटन मिल जाता है। दोस्तों इस बटन से हम बेस, ट्रेबल एंड इको को एडजस्ट कर पाएंगे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए हम ट्रेबल को +7 से -7 तक एडजस्ट कर पाएंगे माइक के, हम बेस को भी +7 से -7 तक एडजस्ट कर पाएंगे, साथ में हम इको को भी एडजस्ट कर पाएंगे 16 तक के पॉइंट तक। देखिए हमें मोड का बटन भी मिल जाता है, अभी यह है ब्लूटूथ मोड में। दोस्तों यह है एफएम मोड, यह है ऑक्स मोड, एंड दोबारा से हमने इसे ब्लूटूथ मोड में रख लिया है। साथ में यूएसबी पोर्ट एंड एसडी कार्ड स्लॉट भी हमें मिल जाता है। दोस्तों हम माइक की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए हम 16 तक के पॉइंट तक माइक की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर पाएंगे। सो टॉप पैनल पर ये सारे बटन हमें मिल जाते हैं। बीच में देखिए दोस्तों हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर हम अपने मोबाइल को रख पाएंगे कुछ इस तरीके से। दोस्तों फ्रंट साइड पर हमें मेटल की ग्रिल इस पर मिल जाती है, एंड हमें 20 वॉट का कंप्रेशन ड्राइवर फॉर क्रिस्टल क्लियर हाइज के लिए मिल जाता है। साथ में दोस्तों हमें 8 इंच का हाई एंड ड्राइवर मिल जाता है जो कि 80 वॉट का है। बीच में देखिए हमें XMT का लोगो भी इस पर बना हुआ मिल जाता है। दोस्तों बैक साइड पर सबसे पहले हमें स्पीकर को होल्ड करने के लिए हैंडल इस पर मिल जाता है, टेलीस्कोपिक हैंडल तो मिल ही रहा है, साथ में हैंडल अलग से मिल जाता है, एंड यहाँ पर हमें AC इनपुट पोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि पावर कॉर्ड हमारी यहीं पे कनेक्ट होगी। नीचे से देखिए हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि होल जहाँ से एयर पास होगी, एंड नीचे से देखिए हमें व्हील्स भी लगे हुए इस पर मिल जाते हैं। सो कैरी करने में ओवरऑल दोस्तों स्पीकर काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों यार स्पीकर का जो डिजाइन है ओवरऑल काफी बढ़िया है, काफी रगेड एंड प्रीमियम डिजाइन हमें मिल जाता है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों स्पीकर की काफी बढ़िया हमें देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों अब अपने माइक को भी कनेक्ट करते हैं इसके साथ, एंड आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि यार फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़िया ये कैप्चर करता है। सो इसे हम ऑन कर लेते हैं सबसे पहले। हेलो 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 हेलो, वाओ 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 वाओ, देखिए फ्रीक्वेंसी जो ये कैप्चर कर रहा है वो बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। सबसे पहले दोस्तों इसका एको कम करते हैं। अब दोस्तों हमने जीरो कर दिया है। यार जो माइक की क्वालिटी है वो सीरियसली काफी बढ़िया हमें मिल जाती है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कैरियोके लवर्स हैं तो आपके लिए ये मॉडल काफी बेस्ट होने वाला है, एंड आप सिंगिंग का मजा उठाने वाले हैं काफी बढ़िया करके। तो दोस्तों हमने आपको इसकी माइक क्वालिटी तो काफी डिटेल में टेस्ट करा दी है, अब इसके डिटेल पे ऑडियो भी टेस्ट कर लेते हैं, एंड देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। सो प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, एंड गाइस आप इस पर क्या है कि नोट्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, मतलब कि हाईस पे मिड्स पे। सो सबसे पहले हम आपको ऑडियो क्वालिटी इसकी टेस्ट करवाते हैं, फिर इसका डिटेल पे बेस टेस्ट भी करेंगे। सो हमने अपना फोन जो है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है, प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए। दोस्तों यार मैंने आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी तो काफ़ी डिटेल में टेस्ट करवाई, आई थिंक आपको क्लियर पता भी लगा होगा कि यार किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें मिल जाता है। अगर आप इस मॉडल को परचेज करेंगे तो एटलीस्ट आपको 24 से 36 आवर्स का वर्निंग पीरियड इसका कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको डिलीवर होगा। सो दोस्तों मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं तो इसे काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ऑडियो क्वालिटी वाइज दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। मतलब इस प्राइस रेंज में मैंने जितने भी पार्टी स्पीकर टेस्ट करें उनसे मुझे ये बेटर ही लगा है क्लियरिटी वाइज,
क्योंकि मिड्स एंड हाइस की अगर मैं बात करूँ तो इस मॉडल पर वो हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों इस पर हमें सामने की तरफ से 20 वॉट का कंप्रेशन ड्राइवर मिल जाता है जो कि क्रिस्टल क्लियर हाइस के लिए काफ़ी मदद करता है। एंड दोस्तों सीरियसली यार, मैंने इसे जितना भी टेस्ट करा ना, मुझे इसके हाइस पे एंड मिड्स पे कोई भी कमी नहीं लगी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी की, यानी कि बेस क्वालिटी की, कि यार बेस क्वालिटी में ये मॉडल कितना बढ़िया है, कितना डीप पंच बेस हमें मिलता है, क्योंकि इस पर भी हमें 8 इंच का ड्राइवर मिल जाता है जो कि यार बहुत ही अच्छा बेस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यार जस्ट अभी बोल रहा हूं आपसे। सो बेस क्वालिटी भी इसकी टेस्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं कि यार बेस में भी जो परफॉर्मेंस है वो कितना बढ़िया हमें मिलता है। सो उसके लिए भी प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करिए। तो दोस्तों यार, मैंने आपको इसकी बेस क्वालिटी भी काफ़ी डिटेल में टेस्ट करा दी है एंड आई थिंक यार आपको क्लियर पता लग गया होगा कि इस मॉडल पर जो बेस परफॉर्मेंस है वो भी हमें कितना कमाल का देखने को मिल जाता है। दोस्तों मतलब मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर आप इसे डिस्काउंट कोड के साथ खरीदते हैं तो आपको ये 11,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो 12,000 की रेंज में दोस्तों यार ये जो मॉडल बेस प्रोड्यूस कर रहा है ना वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, आपको मजा आ जाएगा। लोअर फ्रिक्वेंसी भी दोस्तों इस मॉडल की हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, साथ में दोस्तों यार इस पर जो डीप बेस का इफेक्ट है वो भी हमें काफ़ी तगड़ा फील हो जाता है। जैसे कि हमने तो इसे अभी जस्ट टेबल पर रखा है, उसके बाद भी हमारा फ्लोर थोड़ा शेक कर रहा है, डोर्स शेक कर रहे हैं, साथ में छत वाइब्रेट कर रही है। सो ओवरऑल दोस्तों यार बेस क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया हमें मिल जाती है। सो अगर आपको लोअर फ्रिक्वेंसी भी काफ़ी तगड़ी चाहिए सो वहाँ के लिए भी यार ये मॉडल काफ़ी बेस्ट होने वाला है। एंड मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों, अगर आप इस पर बेस क्वालिटी थोड़ी अच्छी चाह रहे हैं, थोड़ी डीप चाह रहे हैं, सो आप इसे ग्राउंड पर रखेगा एंड थोड़े से कॉम्पैक्ट स्पेस में रखेगा, तब आपको बेस क्वालिटी ज़्यादा भयंकर मिलेगी एंड आपको मजा आ जाएगा। बाकी अगर आपको डिटेल पे इसका हिंदी पे साउंड टेस्ट चाहिए होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो ओवरऑल दोस्तों यार मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा साउंड क्वालिटी के हिसाब से मैं सेटिस्फाई हूँ एंड 12,000 की रेंज में दोस्तों मेरे हिसाब से वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। आप इस पार्टी स्पीकर को परचेस कर सकते हैं क्योंकि इनबिल्ट बैटरी हमें मिल जा रही है, कैरियोके के लिए जो माइक मिल रहा है साथ में वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है, साथ में लाइट इफेक्ट देखिए क्या कमाल का हमें मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, पोर्टेबिलिटी, हर एक चीज़ हमें इस पार्टी स्पीकर पर टॉप नॉच पर देखने को मिल जाती है, आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको इस पार्टी स्पीकर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।